जुलाई के महीने में झमाझम बारिश ने गर्मी पर तो ब्रेक लगाया, लेकिन बारिश से कई राज्यों पर बाढ़ का संकट गहरा गया है। नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में पानी के खौफ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं पूर्वोत्तर में बाढ़ की वजह से लोग सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन बाढ़ की मार से सड़क भी महफूज नहीं। बांस के इन डंडों के सहारे पानी को हराने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से लगातार बढ़ता पानी का सैलाब और दूसरी तरफ बाढ़ को चुनौती दे रहा ये जुगाड़। तस्वीरें बिहार में सीतामढ़ी जिले के गांव की है। सीतामढ़ी नेपाल से सटा सीमावर्ती जिला है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश सीतामढ़ी में बाढ़ के रूप में दस्तक दे रही है और इसकी गवाही है बागमती नदी, जो उफान बनकर बह रही है। नदी का ये दायरा जितना नजर आ रहा है बाढ़ से पहले उससे बहुत कम था। पानी के बीच नजर आ रहे बांस के दो डंडे गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर एक घर था जिसकी थोड़ी सी छप्पर भी अभी नजर आती है। ये जो घर था, ये झोपड़ी था, ये पानी में बह गया। इसमें सोचिए, अगर लोग आनंद फानंद में नहीं भागते तो उनके साथ क्या होता, इसी पानी में वो समा जाते। ये घर था, एक झोपड़ी था जो आपको दिख रहा है, पूरी तरह से ये पानी में उस समा चुका है। बागमती नदी ने अपने आगोश में उस घर को ले लिया। इस तरह से यहाँ 15-20 घर बह गए हैं। रसूलपुर में ऐसे एक दो नहीं बल्कि 15 से 20 घर जलमग्न हो गए हैं। बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के किनारे कटान जारी है और जो घर बचे हुए हैं वो बाढ़ के सामने टिक पाएंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। यहाँ पे घरों की आप स्थिति देखिए, पूरी तरह से उजड़ पुजड़ गए हैं। यहाँ पे जो गरीब लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन्हीं का ये जो है झुग्गी झोपड़ी था, बहुत परेशान है ये लोग। लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट पैदा हो गया है, अपना आसियाना उजड़ता देख ये लोग बहुत दुखी हैं। देखिए, ये जो घर है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, झुग्गी झोपड़ी जो है, और ये कभी भी जो बचा खुचा है ये कभी भी पानी में बह जाएगा। बस सीतामढ़ी से सांसद और जेडीयू नेता सुनील कुमार भी बाढ़ की मार झेल रहे रसूलपुर गांव पहुंचे। जिन लोगों के घर यहां पर अभी इस पानी के कारण जो लोग विस्थापित हुए हैं, जिनका घर गिर गया है या नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिलवाने का मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, जितना जल्द से जल्द हो सके उन्हें मुआवजा। सांसद महोदय ने मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन बाढ़ में घर और फसल गवा चुके लोग फिलहाल पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ के प्रकोप से खानाबदोश जिंदगी जीने को मजबूरी बिहार तक ही सीमित नहीं है। सड़कों पर लगी टेंट की ये लंबी कतार असम के सिलचर से आई है। और ये लोग 15 दिनों से ज्यादा वक्त से सड़कों पर तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग ट्रक को ही अपना आशियाना बना चुके हैं। यहाँ पर ये घर जाने का रास्ता है, वहीं से दिखाइए आप, और अगर आपको इस घर में जाना है तो ऐसे चढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहीं सोने का ठिकाना है, यहीं खाने का, यहीं बिस्तर, और ऊपर जो है ये पॉलीथीन लगा दी गई है, ये किचन है, यहीं खाना बनाया जाता है। असम में बारिश तो रुक गई, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। खेत खलिहान तालाब में तब्दील हो चुके हैं और जिन खेतों में फसलें लहराती थी वहां अब नावें चल रही हैं। तालाब नहीं है बल्कि ये खेत है, यानी यहां लोग खेती करते हैं। लेकिन आप देखेंगे, जब दिखाइए दुर्गेश, तो ये बड़ा तालाब नुमा दिखेगा और लगेगा आपको कि ये बहुत बड़ा कोई डैम है और हर तरफ पानी ही पानी है। इसी तरह से आप जब इधर आएंगे, सड़क के इस पार आएंगे, तो सड़क के इस पार भी आपको दिखाई देगा कि पानी के उस तरफ गांव है और लगभग हजारों लोग रहते हैं, लेकिन वो सभी लोग अभी कट गए हैं और ये जो आने जाने का रास्ता है, उस आने जाने के रास्ते में पूरा पानी ही पानी है। असम में बाढ़ की चपेट में सड़कें भी आई हैं। असम को त्रिपुरा से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे करीमगंज इलाके में टूट गया। सड़कों पर हजारों गाड़ियां खड़ी हैं और कई घंटों तक जाम से दो चार होना पड़ रहा है। पूर्वी राज्यों पर बाढ़ का संकट है तो पहाड़ी राज्यों में भी लगातार बारिश से लैंडस्लाइड तेज हो गए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं, जहां लैंडस्लाइड से सड़कें टूट गई। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं।
गोड़िया सिटी जानी ना। गोड़िया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।